हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। नहीं, जो अभी तक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके ये डिलेमा थी कि पेपर जो है वो 16 सितंबर को नेट का कर दिया गया है या उसके बाद भी कोई डेट चेंज होगी, तो बहुत सारे सजेशंस मांगे गए थे। और उसके ही सीरीज में जेई मेन्स के एडवांस के लिए भी जो डेट थी वो कोई फाइनल डेट नहीं थी। तो आज मैं आप सभी के सामने जो है रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ साथ में जस्टिफाई भी करूँगी कि डेट कहाँ है और कब कैसे क्या एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो बिल्कुल भी अपने मन से डर को निकाल दीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रिपरेशन पे फोकस करिए और प्रिपरेशन को ही अपना मेजर गोल मानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे नए चैनल न्यू विजिटर हैं आप चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपके जो रेगुलर नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे और साथ ही साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं UGC नेट के रिगार्डिंग बात करूंगी। तो कल जो था 20 अगस्त को इन्होंने एक अपने प्रेस रिलीज में जारी किया था कि जो NTA नेट के पेपर्स होंगे जस्टिफाई करेंगे और इसके जो डेट थी वो सितंबर के मिड में 16 सितंबर से, और अगले सितंबर में ही इन्होंने कराने का जो डिसीजन था वो लिया था। लेकिन आज देखिए, आज यहाँ पे देखिए एक प्रेस रिलीज नई आई हुई है और प्रेस रिलीज में इन्होंने देखिए ये बताया हुआ है सब्जेक्ट देखिए कि JEE मेंस के जो अप्रैल सितंबर के पेपर है और नीट UG लेवल के जो है वो या मई या सितंबर 2020 के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो यहाँ पे एक सत्यन विश्वास करके हैं, उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेनिटेशन लगाई हुई थी। इस पेनिटेशन का नाम था सिविल नंबर 812 एंड 2020 के रिगार्डिंग ये NTA के लिए ये पेनिटेशन लगाई गई थी। और उन्होंने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ये आया हुआ है कि देखिए कोई भी जस्टिफिकेशन है या कोई भी महामारी के समय ऐसी जो सिचुएशन आती है तो उसमें जो है वो जो लोगों की बात है उसको पूरा अधिकार है कहने का। तो इसके साथ साथ उन्होंने देखिए यहाँ पे जब आप फोर्थ फेज में जाएंगे फोर्थ पैरा में, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक इंक से मेंशन है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज किए हैं कब करेगा एडमिट कार्ड JEE मेंस के एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होंगे 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में। एंड इस टोटल नंबर जितने भी हैं यहाँ पे तकरीबन जो है 8 लाख लोग हैं इन्होंने यहाँ पे अपीयर किया हुआ था इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए, JEE मेंस के लिए और नीट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी चॉइस फिलिंग के फर्स्ट चॉइस सेंटर है वो वही दिया जाएगा जो भी आपने चॉइस फिलिंग में फर्स्ट सेंटर डाला है। एंड नीट की जो डेट है वो उन्होंने शेड्यूल कर दी है 13 सितंबर से लेके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड किए जा सकेंगे और 99.7% कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने दी होगी फिर सेंटर सिटी की वही उनकी डाली जाएगी। उसके बाद देखिए MHRD की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डेट 6 जुलाई को इन्होंने वेबिनार लिया था तो उसके ही रिस्पेक्ट में इन्होंने फिर से दिया है। देखिए NTA हैज़ मेड इनॉग्रेट अरेंजमेंट ऑफ सैनिटाइज सेंटर बिफोर आफ्टर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड फ्रेश मार्क्स एंड हैंड ग्लव्स एज पर रिक्वेस्ट। एंड पूरी मतलब यहाँ पे एहतियात बरती जाएगी और जो भी हैं। एंड यहाँ पे देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ दीज एग्जाम आर ऑल्सो बीन ट्रेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NTA एडवाइजर, यानी जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए गए हैं वो NTA एडवाइजर के अंतर्गत ही जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो भी एडमिट कार्ड है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स के लिए है वो एडमिट कार्ड पे पेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा और हो सकता है कि ये जो NTA UGC नेट की डेट है वो मेन 15 डेज आपकी आगे जा सकती है, बट आप बिल्कुल भी एश्योर मत होइए कि नहीं ये कैंसिल होगी या फिर इसकी डेट जो है वो 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए आगे की जाएगी। एग्ज़ाम होना है और ये मान के चलिए एग्ज़ाम जो है वो 15 दिन आगे जा सकता है, इससे ज़्यादा या अक्टूबर में ही जा सकता है, बट आपको तो पेपर देना ही देना है तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए और किसी भी अपने दिमाग में पैनिक मत रखिए कि हम मुझे इतना सारा कैसे पढ़ना है, क्या कैसे तैयारी करेंगे। तो इसके साथ साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, गुड बाय फ्रेंड्स। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।